चाइना एक अजीब देश है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अजीबोगरीब यहाँ के लोग हैं, जो हर तरह की जिंदा चीज को खाने का शौक रखते हैं। और चाइना के इन्हीं घिनौने खाने की वजह से आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, और आज के टाइम पे इस वायरस की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही है। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ चाइना के अजीबोगरीब खाने की वजह से, जिन्हें सिर्फ चाइना के लोग ही खा सकते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी इनके पास खड़ा भी रह जाए तो उसे जरूर उल्टी हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका दिल मजबूत है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला फूड आपके होश उड़ा देगा। नंबर 1, स्कॉर्पियन। बिच्छू कितना जहरीला होता है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिससे इंडियन लोग दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन चाइना वाले इसे भी खा जाते हैं। सबसे पहले ये लोग बिच्छू को बॉईल करते हैं, जिसके बाद ये उसका सूप और डिशेस बना के खा जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये लोग स्कॉर्पियन के सबसे जहरीले बॉडी पार्ट को भी नहीं निकालते, यानी ये स्कॉर्पियन को उसके डंक के साथ ही खा जाते हैं। क्योंकि चाइनीज लोगों का ये मानना है कि स्कॉर्पियन को फ्राई करते वक्त इसका सारा जहर निकल जाता है, इसलिए वो इसके डंक को नहीं निकालते। दोस्तों, स्कॉर्पियन चाइना का काफी पॉपुलर फूड है, जिसे चाइना में सबसे ज्यादा खाया जाता है। यहाँ तक के कई लोग तो इन्हें कच्चा भी खा जाते हैं। नंबर 2, स्नेक सूप। हाँ, यहाँ बात हो रही है सांप की, जिसे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन चाइना वाले यार इसे भी खा जाते हैं। ये सबसे पहले इन्हें अच्छे से पानी से धो देते हैं, जिसके बाद ये इनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सांप को काटते वक्त ये सांप हिलता रहता है, लेकिन ये लोग इससे बिना डरे अपना काम करते रहते हैं, और इन्हें पकाने के लिए भेज दिया जाता है, जिन्हें बाद में कस्टमर्स को खाने के लिए सर्व भी कर दिया जाता है। फिर क्या, कस्टमर्स इन्हें काफी चाव से खाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ चाइना के रेस्टोरेंट्स में ही होता है, क्योंकि सांप को काटकर उसका सूप बनाना कोई आम बात नहीं। नंबर 3, पफर फिश। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ये दुनिया की सबसे जहरीली मछली है, जिसका नाम है पफर फिश, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर टेट्राटॉक्सिन पाया जाता है, जो एक बार में 30 लोगों की जान लेने की क्षमता रखता है। और इसकी सबसे डरावनी बात तो ये है कि इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया गया, लेकिन चाइना के लोग फिर भी इस मछली के जहर से ना डरते हुए इसे खाने का खतरा उठाते हैं। दोस्त, सबसे पहले तो इस मछली को काट कर बॉइल करने का प्रोसीजर होता है, जिसे काटने के लिए आम वर्कर्स नहीं बल्कि प्रोफेशनल वर्कर्स को बुलाया जाता है, जिसके बाद वही इसे काट कर इसे पकाते हैं। क्योंकि इस मछली में काफी खतरनाक जहर होता है, इसलिए ये काम प्रोफेशनल वर्कर्स को ही दिया जाता है, क्योंकि गलती से अगर थोड़ा जहर भी बच जाए तो ये हर किसी की जान ले सकता है। नंबर 4, क्रोकोडाइल मीट। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लोग सच में क्रोकोडाइल को खाते हैं। मतलब यार, जहाँ पूरी दुनिया में क्रोकोडाइल्स इंसानों का शिकार करते हैं, वहीं चाइना में क्रोकोडाइल्स का ही शिकार किया जाता है, जिसे वहाँ के लोग कई तरह से खाते हैं, जैसे सूप बनाकर या फिर उसकी कड़ी बनाकर। लेकिन इससे पहले चाइनीज लोग इस मगरमच्छ की सभी खाल निकाल लेते हैं और फिर उसे पकाते हैं। और अब इससे ही पता चलता है कि चाइना के लोग कितने निर्दयी हैं और हर चीज को खाने के लिए कितने भूखे भी हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस। इस समुद्र जानवर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसका अगर हाथ भी कट जाए तो वो हिलता ही रहता है। और ऐसी जिंदा और घिनौनी चीजों को खाने का शौक भी चाइना वाले ही रखते हैं। यार, चाइना के लोग इसे कच्चा खा जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है, चाइना के होटल में इस खाने के लिए काफी भीड़ लगी रहती है, जिसे वहाँ के लोग काफी मजे से खाते हैं। नंबर 6, रेनबो लॉबस्टर। यह है एक सुंदर सा दिखाई देने वाला जीव, जो काफी महंगा होता है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि चाइना में इसे भी खा लेते हैं। मतलब चाहे वो कितनी भी खतरनाक चीज हो या फिर कितनी भी महंगी हो, चाइना वाले हर जिंदा चीज को खाने का शौक रखते हैं। अब इसे ही देख लीजिए, इस लॉबस्टर को खाने की कीमत $6,000 से भी काफी ज्यादा है, जिसे सिर्फ चाइना के अमीर लोग ही खा पाते हैं, लेकिन चाइना के हर नागरिक इसे खाते हैं। अब इसे खाने के लिए वो कहां से पैसे लाते हैं, ये मुझसे मत पूछना। नंबर 7, बैट्स। अरे यार, चाइना वाले चमगादड़ों को तो छोड़ दो, अब चमगादड़ से घिनौनी चीज कोई हो सकती है मुझे नहीं लगता, लेकिन चाइना वाले इसे भी खाने का शौक रखते हैं। इससे ही पता लगता है कि चाइना वालों को जिंदा चीजें खाने में कितना मजा आता है। मतलब यार, जरा एक बार इस लड़की को देखो, ये चमगादड़ को कितने मजे लेकर खा रही है। आई एम श्योर इसे देखकर आपको उल्टी जरूर आ जाएगी। नंबर 8, लैम्प हेड। दोस्त, शायद ही आपने इस जानवर का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही एक गोट जैसा दिखाई देता है, जिसका सर चाइना में काफी मशहूर है और इसे खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। ये लोग सबसे पहले इस जानवर का सर बॉईल कर देते हैं, जिसके बाद वो इस जानवर का आंख, नाक और दिमाग भी खा जाते हैं। मुझे लगता है अगर इस जानवर की हड्डियां खाने लायक होती तो चाइना वाले इसे भी नहीं छोड़ते।
नंबर 9 क्रैब्स। दुनिया में क्रैब्स की हजारों प्रजातियां होती है जो समुद्र में अपनी जिंदगी आराम से जीते हैं, लेकिन चाइना वाले इसे भी अपना खाना बना लेते हैं। अब आप इस आदमी को ही देख लीजिए, कैसे ये इस बड़े क्रैब को कितने मजे लेकर खा रहा है। और यही नहीं, चाइना के सभी लोग क्रैब्स को मारकर खा लेते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि समुद्र की आबादी कम होने का कारण चाइना वाले ही है। नंबर 10 डॉग्स। हाँ, पता है डॉग्स का नाम सुनकर आपको शौक जरूर लगा होगा, क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया में डॉग्स को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, वहीं चाइना में इन डॉग्स को काफी क्रूरता से मार दिया जाता है। दोस्तों, इंडिया में तो डॉग्स से हर कोई प्यार करता है, लेकिन चाइना के लोग इनसे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें मार कर ही खा लेते हैं। ये लोग सबसे पहले इनके सर पर मार मार कर इन्हें तड़पाते हैं, जिसके बाद जब ये डॉग्स मर जाते हैं तब इन्हें काट कर खाने के लिए बेच दिया जाता है। तो बस यार, इस वीडियो में बस इतना ही। ना ही डॉग्स के बारे में मैं आपको इससे ज्यादा बता पाऊंगा और ना ही आप सुन पाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।